आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 इट रेन हैवीली थ्रू आउट द दिसंबर थ्रू आउट द डे ओवर द सिटी ऑफ हैदराबाद. अनिल ऑब्जर्व द रेन ड्रॉप एज दे रीच इन इन द शेप ऑफ एमोस्फियर सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ द सेम रेडियस ऑफ 1 mm. Volume of one of the such drop is 3.14 millimeter cube. Anil collected the rain water in a pot having a capacity of 1099 centimeter cube. Use root 2 is equal to 1.4. तो ये देखो, ये आपका रेन ड्रॉप है. नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, और उसका रेडियस इज सेम, दैट इज 1 mm. अब देखो आपके क्वेश्चन क्या क्या है. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ड्रॉप, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दिस. ठीक है, तो अब देखो इसमें मेजर्स इसके क्या क्या दिए हैं. यहां पर इसने दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द सच ड्रॉप इज डिस्पर्ज, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम. और क्या दिया हुआ है, अनिल कलेक्टेड द रेन वॉटर इन अ पॉट, पॉट का वॉल्यूम भी दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर आपको इसकी हाइट निकालनी है तो हमारे पास में एक ही मेजर है, दैट इज द वॉल्यूम. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कोन, दैट इज इक्वल टू 3.14. तो सेम चीज हम लिखेंगे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू 3.14. अब इसका फॉर्मूला डालो, तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है, क्या होता है, 2 by 3 pi r cube प्लस, और वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1 by 3 pi r square h. ठीक है, यहां पर देखो आपका क्या कॉमन है, 1 by 3 कॉमन है, पाई और पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर इज कॉमन, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 by 3 इज कॉमन, फिर आपका पाई है, फिर क्या है, आर स्क्वायर, और यहां पर क्या बच गया आपका, 2 r प्लस, और यहां पर क्या बच गया आपका, h. दिस दे हैव गिवन यू कितना, 3.14. ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा पाई है, पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 22/7 डिफॉल्ट, अगर इसमें यहां पर कुछ नहीं दिया है तो. लेकिन हम यहां पर क्या लेंगे, वी विल टेक इट एज 3.14, तो पाई की वैल्यू वी विल टेक इट एज 3.14. तो अब क्या होगा, देखो पाई कट गया और ये भी कट गया, यहां पर आ गया आपका 1. गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 विल मल्टीप्लाई दिस, तो यहां पर कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर हमारा कितना है, 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, तो 1 × 2 × 1 = 2 प्लस h, दैट इज इक्वल टू 3. तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कोई भी नंबर करोगे तो इट विल बी द नंबर ओनली, है ना, तो आपका क्या हो गया, 2 + h = 3, तो h कितना हो गया आपका, देखो h कितना हो गया, 3 - 2, दैट इज इक्वल टू 1. अब आपको ध्यान देना है ये h हमारा कहां का है, किसका है, तो यू कैन सी h इज फ्रॉम द कोन, That means ये है आपका,
तो ये आपका आ गया 1 mm, ठीक है। और यहां पर देखो अगर रेडियस भी 1 है तो यहां से यहां तक क्या होगा, दिस इज ऑल्सो द रेडियस, तो ये भी आपका 1 mm होगा। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 1 + 1 = 2 mm, तो ये हो गया आपका 2 mm, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज 2 mm। फिर देखो सेकंड क्या पूछा है उसने, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्रॉप, दैट मींस आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर आप इसमें निकालते हैं टीएसए ऑफ अ कोन प्लस टीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर, आपका आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि ये देखो कैसा है, ये एक साथ बना हुआ है, तो जो चीज आपको बाहर से दिखाई दे रही है दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। नाउ तो बाहर से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो सीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ अ कोन, तो सेम चीज हम लिखेंगे यहां पर, तो टीएसए इज इक्वल टू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहां पर डालो तो सीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है, 2 pi r square, ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, दोनों में देखो कॉमन क्या है, पाई एंड आर इज कॉमन, तो पाई और आर को हमने कॉमन कर दिया, क्या बच गया यहां पर 2r प्लस एल, तो एल क्या है हमारा स्लैंट हाइट, दैट मींस अभी आपको एल निकालना है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है आपका, पाई इज 3.14, हमने यहां पर जो लिया है तो 3.14 इंटू 1 इज 3.14, आर इज 1 ना, तो 2 × 1 = 2 प्लस एल निकालते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज 1, स्क्वायर इज 1 प्लस हाइट स्क्वायर इज अगेन 1, 1 square is 1, तो ये हो गया आपका 2, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज 2, तो हाइपोटेनस कितना हो गया √2, तो वी कैन से हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2, तो √2 का वैल्यू उसने दे रखा है कितना है 1.4, तो दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 2 + 1.4 = 3.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 = 16, 1 carry 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 1 carry 3 × 3 = 4, 3 × 3 = 9, तो ये आपका आ गया 6 7 6 1 0 6 7 6, एंड पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज है 3, तो दैट मीन्स इट विल कम हियर 10.676। और ये देखो 7 के बाद क्या है 5 से ज्यादा है, That means it will come to what? 10.68, है ना? 10.68 mm². Is your total surface area? ठीक है? Next देखो क्या बोला इसने? As the drop falls into the pot, it changes into sphere, find the radius of the sphere,
तो जैसे ये ड्रॉप पॉट के अंदर जाएगा इट विल चेंजेस इनटू अ स्फीयर. तो वी नो द वॉल्यूम ऑफ दिस कितना है 3.14. तो ये आपका क्या आ जाएगा एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना होता है हमारा 4/3 πr³. तो ये आपका आ जाएगा 4/3 πr³ दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप कितना दिया है 3.14. अब देखो पाई की वैल्यू अगेन 3.14 हमने ले ली तो दिस विल गो एंड दिस विल कम एज 1. तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 4r³ इज इक्वल टू 3. तो r³ कितना हो गया 3/4. तो व्हाट इज द रेडियस दैट मींस क्यूब रूट ऑफ 3/4. तो ये आपका आ जाएगा r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3/4 mm. ये आपका रेडियस हो गया स्फीयर का. नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन दिया इसने. हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल द पॉट कंप्लीटली. जो पॉट है उसको कंप्लीटली कितने ड्रॉप्स फिल करेंगे. तो यहां पर देखो क्या क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप और यहां पर दे रखा है कैपेसिटी ऑफ द पॉट दैट मींस वॉल्यूम ऑफ दैट पॉट. ठीक है तो हम क्या करेंगे n इंटू दैट मींस नंबर ऑफ ड्रॉप्स इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ड्रॉप. तो वी विल टेक n नंबर ऑफ ड्रॉप इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप That is equal to volume of pot. ठीक है तो अब देखो क्या आ जाएगा n into 3.14 that is equal to volume of the pot is कितना 1099. अब ध्यान दो ये आपका मिलीमीटर क्यूब में है ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में. तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वी नो दैट 1 cm इज इक्वल टू 10 mm. ठीक है लेकिन यहां पर क्या है सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन 3 times वी हैव टू डू दैट. तो कितना हो जाएगा देखो 10 × 10 × 10 दैट मीन्स इट विल कम्स टू 1000. 10 × 10 × 10 3 times क्यूब. ठीक है अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी n इज इक्वल टू 1099000/3.14. अब पॉइंट की वैल्यू हम हटा पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे से पॉइंट हटाया पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज है 2. तो दैट मीन्स 2 zeros विल कम. अब आप इसको डिवाइड करो 314 और 1099 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट. तो जस्ट वी विल टेक अप टू हियर तो यू कैन सी करेक्ट डिवाइड करोगे तो इट विल कम एज 35. करके देखो 35 × 314 यू विल गेट 10990. तो हमने यहां पर डायरेक्ट कर दिया 1 times और ये कट हो गया आपका 35 और कितने जीरोस बच गए 1 2 3 4. तो दिस मच ड्रॉप्स. तो दैट मीन्स आपका कितना हो गया 3,50,000 ड्रॉप्स कैन फिल दैट पॉट. ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल सरफेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर. ये जो हेमिस्फीयर है इसका टोटल सरफेस कितना होगा
तो वी कैन सी दिस हेमिस्फीयर इज मेड अप ऑफ वॉटर, सो दैट मीन्स इट इज फिल ऑफ लिक्विड, इट इज इन द शेप ऑफ अ सॉलिड, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया इस काम कर लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर इज वन, तो वन स्क्वायर इज वन, तो दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 3 × 3.14, दैट इज इक्वल टू 3 × 4 = 12, 1 × 3 = 3, 1 = 4, and 3 × 3 = 9, 9.42 millimeter what square is your total surface area of this hemisphere.